स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल VMG Birds में। आज की वीडियो बताऊंगा कि आपके कबूतर के अंडे से बच्चे क्यों नहीं निकल पाते हैं, आपके कबूतर के अंडे खराब क्यों हो रहे हैं। आपका जोड़ा वाला कबूतर तीन तीन चार चार अंडे डाल रहे हैं, कबूतर के अंडे से बच्चे नहीं बन रहे हैं। सभी भाई परेशान हैं, कबूतर उन्हें पाले हुए बड़े शौक से, हर कोई शौक किया हुआ कबूतरों का, लेकिन वो थोड़े नाराज़ हैं क्योंकि कबूतर ब्रीड उनका कर तो रहा है, रेगुलर अंडा भी दे रहा है, लेकिन उसका ब्रीड आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि अंडे ख़राब हो रहे हैं। कबूतरी तीन तीन चार चार अंडे डाल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना जो भाई कबूतर पाल रखे हैं, उनके पास प्रॉब्लम आ रही है इस तरह का, तो ऐसा क्यों हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, आप डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हो कि इस नर और मादे ने एक जोड़ा अंडा डाला हुआ है। वैसे जो कबूतर दो अंडे ही डालते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए, ऊपर वाले ने जो इन्हें बनाया कबूतर को सिर्फ दो अंडे ही डालते हैं जिसमें एक नर और एक मादिन जाता निकलते हैं। कभी कभी किसी हालात में या तो मादिन मादिन निकलते हैं अंडे से या नर नर निकलता है। अगर तीन चार अंडे डालते तो भी एक फॉल्ट्स है दोनों के अंदर, वो जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन आपके अंडे क्यों ख़राब हो रहे हैं पहले इस पर चर्चा करते हैं, बताते हैं आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी कि कबूतर अंडा पर बैठना छोड़ दिया है। आप इस बात को नोट करना, जब आपका कबूतर अंडा पर बैठना छोड़ दे तो अंडे आप वहाँ से हटा लेना, तभी जाके वो दूसरा अंडा ले करेगी। ऐसे हालात में ये होता है कि कबूतर का अंडा के ऊपर मार के बिगड़ाया जाता है। जैसे कि मैं अभी कबूतर का अंडा ले कर दिखाता हूँ आपको, ये देखे व्यूअर्स, ये फिलहाल अंडा है, इसके ऊपर मार्क्स बन जाते हैं। मतलब कि हल्का सा भी इस पर चोट वगैरह लगेगा तो इस तरह से देखिए मार्क्स वगैरह आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। आप चाहे अंडे अपने आप चेक कीजिएगा जिस पे मार्क्स वगैरह बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा लॉफ्ट होता है, दरवा होता है, खुला होता है इस तरह से, और जब कबूतर मस्ती के मूड में होते हैं और तो उस वक्त आपने देखा होगा कि लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, उनकी युद्ध चलता रहता है। ऐसे हालातों में ये हो जाता है कि उस पेटी का कबूतर उस पेटी में घुसकर मारपीट करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उनका नुकसान उन्हें पता नहीं होता, जिस वजह से अंडा क्रेक हो जाता है। अंडे के अंदर ऑक्सीजन चला जाता है, हवा चला जाता है, जिस वजह से भी अंडे खराब हो जाते हैं। आपने नोट किया होगा, अगर आपके पास मेरी तरह भी खुला पेटी है, उसी का नुकसान मेरे पास भी हुआ, मेरा कबूतर का अंडा खराब हो गया, तो सोचा आप लोग से शेयर करूं। आप अंडे अगर छूते हैं तो एक चीज़ आप ध्यान रखें कि अंडे को कभी भी हिलाना नहीं है, शेक नहीं करना है। इससे ये होता है कि कबूतर के अंदर जो नसें वगैरह बनती है, आपने कभी फोकस किया होगा, बिल्कुल लाल नसें बनती है जो झिल्ली के ऊपर, वो सारे खराब हो जाते हैं। ऐसे हालात में बच्चे मर जाया करते हैं कबूतर के, और अंडा काला पड़ जाएगा। अंडा जब भी खराब होगा तो बिल्कुल काला पड़ जाएगा, तो ऐसा गलती आप ना करें, अंडे को हिलाए नहीं। अगर मादिन अंडे पे बैठी हुई है तो भी आप उसे ज़्यादा छेड़े नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अंडे में अंडे टकरा गया जोर से तो फूटने का चांस ज़्यादा रहता है, जिस वजह से भी अंडे से बच्चे नहीं निकलते हैं। और तो और हमारे नए कबूतरबाज करते क्या है, कबूतर अंडे डाले हुआ है, नर और मादा दोनों अंडे पे बैठती है, तो उस हालात में करते ये हैं कि कबूतर को नहलाने के लिए पानी रख देते हैं। कबूतर को नहाना बहुत पसंद है, जाके वो नहाना शुरू कर देता है, जिस वजह से कबूतर का जो फेदर्स है, ऊपर वाला फेदर्स तो जल्दी सूख जाएगा, लेकिन जो नीचे का फेदर्स वगैरह होता है वो सूख नहीं पाता है, और कबूतर का जो अंडा होता है वो ठंडा और गर्म होने की वजह से, क्योंकि जब कबूतर उस पर रेगुलर बैठ रहा है, अंडा भी गर्म है आपका, जब वो गीला बदन लेके आएगा और अंडे पे बैठेगा तो जिससे बच्चे मर जाया करते हैं, जो अंडे में बच्चे बनते हैं वो मर जाया करता है,
तो ऐसा गलती आप ना करें, आप अपने कबूतर का ख्याल हल्का रखें। हल्का सा मार्क नजर आ रहा होगा, ये यहाँ देखें आप, इस जगह पे देखें आप, ये देखें आप, यहाँ देखें। तो इस हालात में कबूतर का अंडा खराब है और इसके अंडे के काफ़ी दिन हो गए, तो मैंने अंडा हटा दिया था, सोचा आप लोग से शेयर करूं। और जिस अंडे में बच्चा बनेगा वो अंडा भी आपको मैं दिखाता हूं। जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी नर कबूतर बैठा हुआ है, ठीक है। आपको भी बात पता होना चाहिए कि दिन में नर कबूतर अंडा को सेकता है और शाम के समय और रात में मादिन जो होती है वो अंडे पे बैठती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ दो अंडे हैं और वो बिल्कुल अच्छे से फर्टाइल हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए आप। तो ज़्यादा छेड़ना नहीं है आपको, अगर नर कबूतर बैठा हुआ मादिन बैठा हो तो अंडे को आप ज़्यादा छेड़ नहीं सकते हैं। और एक और प्रॉब्लम आपको ये आ रही होगी कि आपके कबूतर तीन तीन अंडे डाल रहे हैं। अगर आपके कबूतर तीन तीन अंडे डाल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि वो फर्टाइल कभी नहीं होगा, उसमें से बच्चे कभी नहीं निकलेंगे, क्योंकि दोनों या फीमेल का जोड़ा लगा हुआ है, दोनों फीमेल यानी मादा कबूतरी है, तो अंडे तो दे सकती है, अंडे देगी, लेकिन उसमें से बच्चे फर्टाइल नहीं होगा। तो आप ऐसा करें, तो इसका एक ही सलूशन है कि आप वो दोनों का जोड़ा अलग अलग नर कबूतर से लगा दीजिए, तब जाकर उसमें से बच्चे निकलेंगे। अगर किसी तरह से कोई एक जोड़ा में फॉल्ट है तो आप समझ जाइएगा कि उसका में कोई कमी आ रहा है, जिस वजह से अंडे नहीं दे पा रही है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, हरा मूंग का दाल लेना है, साबुत, हरे कलर की जो मूंग की दाल होती है हमें साबुत लेना है, और कबूतर को दाने में देना है, जिससे अंडा फर्टाइल निकलेगा, गारंटी मैं देता हूँ। इस तरह से आप करें, कबूतर को हरा मूंग की दाल खिलाएं, जिससे अंडा फर्टाइल होगा, कबूतर के अंदर जो भी कमी होगी वो कबूतर को पूरा करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कबूतर का मतलब कि हम देखभाल अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जिससे कबूतर अंडे तो बार बार डाल रहा है, अंडे बार बार डाल रहा है, लेकिन उसमें से बच्चे नहीं निकल पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कबूतर के अंदर कमी होती है, कैल्शियम की हो सकती है कमी, विटामिन्स की कमी हो सकती है, जिस वजह से उसके अंडे से बच्चे फर्टाइल नहीं होते। जैसे कि आपने पोल्ट्री फार्म में अगर आपने अंडे वगैरह अगर खाते होंगे मुर्गी के, तो मुर्गी के अंडे से बच्चे कभी नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो कंटिन्यू अंडा डाल रही है, जिस वजह से भी बच्चे नहीं बनते हैं। तो आपको ऐसा करना है कि कबूतर के ब्रीडिंग जो है वो 2 से 3 महीने, मतलब ज़्यादा अगर गर्मी पड़ रही हो तो उस वक्त आप 2 से 3 महीने ब्रीड लेना छोड़ दें, जिससे कि वो अपने बॉडी को अच्छे से रिकवर कर पाएंगे। तो भाई ये भी गलती करते हैं कि जोड़े वाले कबूतर को उड़ाया करते हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि भाइयों आप जोड़े वाले कबूतर ना उड़ाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कबूतर को दुगनी मेहनत करनी पड़ सकती है, अंडे इसी वजह से फर्टाइल ना हो सके, क्योंकि कबूतर जब उड़ के आता है तो उसके बॉडी के अंदर थकावट हो जाती है, जिस वजह से वो कच्चे अंडे डाल रहा है। अंडे डालेगा, अंडे ऐसे नहीं कहते कि नहीं डालेगा, लेकिन इन हालातों में भी कबूतर के अंडे से बच्चे निकलने का चांस बहुत कम होता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए, अगर आप ब्रीड लेना चाहते हैं तो कबूतर को कैच कर दें। इस तरह से देख सकते हैं आप, कबूतर भी इस वक्त कैच पड़ा हुआ है। कबूतर को कैच करने से एक और फ़ायदा है कि ये अपने अंडे को अच्छे से सेकेगा, और जब कबूतर अंडे डाले तो प्रॉपर अंडे के ऊपर वो कबूतर सेकता है, तभी जाके बच्चा निकलता है। ये भी बात को आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपके जोड़े वाले कबूतर ने अंडा दिया, आप उसे दिन भर उड़ा रहे हो, तो ऐसे में भी आपके कबूतर के अंडे से बच्चे नहीं निकलेगा, क्योंकि अंडा को गर्मी की ज़रूरत पड़ती है, और इस तरह से कबूतर अपने अंडे को सेकता है, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। तो इन बात को आप ध्यान रखें, जो आपके जोड़े वाले कबूतर हैं जिन्होंने अंडे डाले हैं उन्हें आप न उड़ाएं, और ये गलती बिल्कुल ना करें।